विधानसभा चुनाव में ऑडियो वायरल का दौर जारी है। भागलपुर के जेडीयू सांसद अजय मंडल के बाद अब गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा को धमकी दे रहे हैं। वायरल ऑडियो में वे चुनाव के बाद देख लेने की बात कर रहे हैं। हालांकि नेशन न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। सारी चीजें स्पष्ट है, लोगों के बीच में है, वो व्यक्तिगत है कि क्या है नहीं, वो सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी है। इसमें कुछ बोलने की अब जरूरत ही नहीं, ये लोग जान गए हैं कि उनकी उनके अंदर में क्या है और उनके सामने में क्या है। वो कह रहे हैं कानून की शरण में वो गए, बाकी आप क्या करेंगे आगे, आप क्या कह रहे हैं कानून की शरण में खाली उनको जाने का अधिकार नहीं है, कानून की शरण में हर व्यक्ति जा सकता है। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला पूर्णिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं जनता से महागठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। लेफ्ट पार्टी ने एक संकल्प ले भी लिया कि महानंदा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट जो है, और खास तौर से उसमें भी तटबंधों का निर्माण, जिससे जल जमाव और जल भराव दोनों से मुक्ति मिल सके, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगा। जरूरत पड़ी तो आज मैं आपको कहकर जाता हूं, महागठबंधन की सरकार अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों पर जाकर जरूरी लॉन्ग टर्म लोन्स लेकर आएगी। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने जनसभा को आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने अपने चुनावी वादे को दोहराया, तो वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर जनता को ठगने का आरोप लगाया। ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां पर हमने कोशिश की कि कोई मेरा गार्जन, कोई गरीब आदमी जो पप्पू यादव का माँ बाप की तरह वो भूखा ना रहे। दो महीना कंटिन्यू पटना नहीं, लगातार 18 कहां थे नीतीश कुमार, कहां थे लालू जी, कहां थे लालू जी के बच्चे और परिवार, कहां थे नरेंद्र मोदी उस वक्त पप्पू यादव, उस वक्त हमारे लोग क्यों, उस वक्त मेरा बेटा क्यों, क्यों कारण क्या। वाहन जांच के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल दुर्गावती पुलिस ने एक निजी वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। कल देर रात चुनाव को लेकर के NH2 पर एक विशेष चौकसी बरती जा रही है और थानाध्यक्ष के नेतृत्व में SST की टीम काम कर रही थी। इसी क्रम में कल एक मोटरसाइकिल जो पुलिस का लोकेशन ले रही थी और पीछे से एक स्विफ्ट डिजायर कार, दोनों को पकड़ा गया, जिसमें से 3 व्यक्ति पकड़े गए और स्विफ्ट डिजायर कार से लगभग 150 लीटर देसी और विदेशी शराब बरामद किए गए। जम्मू के भभुआ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो NH2 पर लड़कियों को दिखाकर ट्रक चालकों से लूटपाट की घटना को अंजाम देता था। वहीं इस मामले में होमगार्ड के जवान सहित 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि NH2 पर कुछ अपराधी तत्व ट्रक ड्राइवरों के साथ लूटपाट कर रहे हैं और ये लड़कियों की आर में इस तरह का धंधा कर रहे हैं। कुछ लड़कियाँ लिफ्ट मांगने के देर रात्रि ट्रक ड्राइवरों से अपने को अबला बता करके लिफ्ट मांगते थे और जैसे ही ट्रक ड्राइवर गाड़ियों को रोकते थे ये लोग चारों तरफ से घेर करके ड्राइवर से पैसा लूट लेते थे। लड़की का छेड़खानी का आरोप लगा। गया के इमामगंज में अजगर सांप निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वहीं मामले की सूचना पाकर वन विभाग मौके पर पहुंचकर अजगर को अपने साथ ले गए। ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी टेलीफोन पर, क्या केला के पेड़ के पास सांप है, फिर हम लोग जाके वहाँ पे उसको रेस्क्यू करके पकड़े, लगभग 20 kg का और 8 फीट लंबा। हम लोग को शाम में सूचना मिली कि हाँ अजगर है, तो हम लोग काफ़ी मशक्कत करने के बाद वहाँ उसका रेस्क्यू किए। लगभग 45 मिनट हम लोग रेस्क्यू किए और उसके बाद हम लोग शाम में उसको इमामगंज परिसर में रखे। उसके बाद अगली सुबह हम लोग पटना के धनरुआ में प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल एक भाई अपनी बहन की प्रेम कहानी से परेशान होकर अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं परिजनों का कहना है कि पुलिस मामले को उलझा रही है।